मार्वल के सबसे बिगेस्ट कैरेक्टर्स, और मैं पहले ही बता दूं यहाँ मूवी के बेसिस पर कंपैरिजन करने वाले हैं, तो कॉमिक का ज्ञान अपने पास रखना। नंबर 5 एंटमैन। तो देखो पिम पार्टिकल की मदद से एंटमैन खुद को जायंट मैन में कन्वर्ट कर सकता है, और एंटमैन एक बार बड़ा होने के बाद इसकी हाइट लगभग 100 फीट के अराउंड हो जाती है। नंबर 4 लिवाइथन। तो देखो अंतरिक्ष के ये सबसे बड़े कीड़े थानोस के आर्मी का हिस्सा है, और ये कीड़ा हमको लगभग मार्वल की 3 मूवीज में दिखाया गया है, एवेंजर्स असेंबल में, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और एवेंजर्स एंडगेम में, और ये लिटरली अराउंड 200 फीट का होगा। नंबर 3 सर्टर द सन ऑफ बीच। तो ये आपका गोला भाई थॉर रैग्नारोक के स्टार्टिंग में तो छुई मूवी था, पर मूवी के एंड में जब लोकी ने उसको इटर्निटी फ्लेम में पकाने के लिए छोड़ा तो इसकी हाइट लिटरली 1000 फीट तक बढ़ गई थी भाई। नंबर 2 पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ भाई, क्योंकि इस रैंक पर दो कैरेक्टर स्टैंड करते हैं, ईगो द लिविंग प्लैनेट एंड डोरमामू। तो ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि कौन किससे ज्यादा बड़ा है। नंबर 1 सेलेस्टियल। अब ये चीज मुझे किसी भी मार्वल फैन को समझाने की जरूरत भी नहीं है कि सेलेस्टियल आखिर कितने बड़े होते हैं। सेलेस्टियल लिटरली गैलेक्सी तक तबाह कर सकते हैं भाई, और ये सिर्फ फूंक मार के अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं।